हाँ तो भाई दोस्तों, यू ऑलरेडी नो कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं। इससे पहले का एक एपिसोड हो चुका है, अगले एपिसोड पे आ रहे हैं। कहानी इस बात पर चल रही है क्योंकि श्री सीबीएसई जी महाराज ने कुछ किया है। इसके बाद इसके बारे में आपको तुषार भाई बहुत कुछ बता चुके हैं। इससे पहले के 10 क्वेश्चन मैं कर चुका हूं, अब मैं बात कर रहा हूं अनदर सेट ऑफ 1 to 10 क्वेश्चंस। जो आज क्वेश्चन होंगे और जो पिछले क्वेश्चन हुए हैं उनमें प्राइमरीली डिफरेंस क्या है वो बता देता हूं मैं आपको। देखो, प्राइमरी डिफरेंस ये है कि जो आज क्वेश्चन हो रहे हैं ना वो डेडिकेटेड है रेजिस्टेंस के। जो फर्स्ट वीडियो हमने बनाया था उसमें मैंने वर्सेटाइल तरीके से बहुत सारे फॉर्मूलों का इस्तेमाल किया था, चाहे वो क्यू बाई टी क्यों ना हो, चाहे वो आर इज इक्वल टू रो एल बाय क्यों ना हो, क्या वो सीरीज और करंट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस क्यों ना हो, या इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो वी इज इक्वल टू आई आर ओम चाचा का रूल हो या ना हो। ठीक है, आज डेडिकेटेडली हम रेजिस्टेंस पे बात करेंगे कि यार रेजिस्टेंस अकेले से कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके बारे में बात करने की कोशिश है हमारी। ठीक है, शो बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, मैं लिखना चाहूंगा द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी होता है रो, द रेजिस्टिविटी बेटा, रेजिस्टिविटी होता है रो। ठीक है, द रेजिस्टिविटी जैसे ये वर्ड आता है दिमाग में क्या आना चाहिए, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए आना चाहिए। ठीक है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू दी हुई है, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आयरन वायर ऑफ अ पर्टिकुलर लेंथ, वी डू नॉट नो द लेंथ एंड थिकनेस इज 1 ओम। ठीक है, तो 1 ओम रेजिस्टेंस है, 1 × 10⁻⁷ ओम आयरन वाले का, इसके लेंथ और थिकनेस के बारे में हमें पता नहीं है। क्लियर, इफ द लेंथ एंड द डायमीटर ऑफ द वायर बोथ आर डबल्ड, लेंथ को डबल कर दिया और डायमीटर को डबल किया है मेरे दोस्त, डायमीटर को अगर डबल किया जाएगा तो एरिया 4 times हो जाएगा। एरिया इज प्रोपोर्शनल टू डायमीटर बाय 2 का स्क्वायर ना, रेडियस का स्क्वायर। तो अगर आप डायमीटर को डबल करते हो तो ये एरिया ओल्ड है और ये एरिया न्यू है, वो 4 times हो जाएगा। क्लियर, कोई शक नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो 4a हो गया, तो क्या बोल रहा है आपसे, देन द रेजिस्टिविटी। अरे यार परेशान कर दिया क्वेश्चन ने यार, इतनी मेहनत कराई हो कुछ पूछा ही नहीं। भाई मुझसे पूछ रहा है कि रेजिस्टिविटी कितनी है, ला रेजिस्टिविटी थोड़ी ना बदलेगी मटेरियल की, जब तक हम टिल वी विल नॉट चेंज द मटेरियल और द फिजिकल स्टेट ऑफ द मटेरियल। फिजिकल स्टेट ऑफ द मटेरियल का मतलब क्या है, मटेरियल का टेम्परेचर वगैरह जो है, ठीक है, वो अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो मटेरियल की रेजिस्टिविटी बदलनी नहीं वाली है, वो सेम रहेगी। तो आंसर आएगा 1 × 10⁻⁷ ही, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल हमसे कहने की कोशिश कर रहा है कि सुनो गौर से दुनिया वालों, अगले सवाल में द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 20 ओम। यहां तक मुझे नहीं पता होता कि आर सीरीज पैरेलल लगाना है या आर इक्वल टू रो एल बाय ए लगाना है। अगली लाइन पढ़ रहा हूं मैं, इट इज सो स्ट्रेच्ड, खींच दिया गया बेटा, खींचा गया, यानी कि आर इक्वल टू रो एल बाय ए की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि खींचते समय आप लेंथ में बदलाव करते हो और इवेंचुअली एरिया में भी बदलाव आता है। दो प्रकार की बातें होती है, खींचने वाली बातें और वायर जोड़ के लेंथ लंबी करने वाली बातें या कट करने वाली बातें। जो जोड़ के या कट करने वाली होती है उसमें एरिया चेंज नहीं होता, जो जोड़ के या कट करने वाली बातें होती हैं उनमें एरिया चेंज नहीं होता। क्या चेंज होता है, सिर्फ लेंथ। लेकिन जब आप स्ट्रेच करते हो तो एरिया के साथ लेंथ भी चेंज होती है और लेंथ के साथ साथ एरिया भी चेंज होता है। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, लेंथ और एरिया दोनों बदलेंगे अपने हिसाब से। तो 20 ओम रेजिस्टेंस है, इट इज सो स्ट्रेच दैट द लेंथ बिकम 3 times। अगर लेंथ बिकम 3 times बेटा तो एरिया गेट्स डिक्रीज्ड बाय 3 times। क्यों, सुना ऐसे, वी वन इज इक्वल टू वी टू, वी ओल्ड एंड वी न्यू आर इक्वल। वी ओल्ड होता है लेंथ टाइम्स एरिया, वी न्यू क्या होगा, 3 lengths टाइम न्यू एरिया। सो न्यू एरिया क्या है भाई, न्यू एरिया इज ओल्ड एरिया बाय 3। चमका, ये चमकना जरूरी है, 9th grade में आपने इसके बारे में पढ़ा है, मेंसुरेशन में आया ना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर में, वहां से आया ये। तो ठीक है, अगर आप लेंथ को 3 गुना कर देते हो और एरिया 3 गुना डिवाइड हो जाता है तो जो नेट रेजिस्टेंस है वो 9 times हो जाएगा। कैसे, देखो
रो सेम मटेरियल नहीं चेंज हुआ, न्यू एल बाय न्यू एरिया, सो दिख रहा है आपको 9 टाइम्स, बस 9 टाइम्स क्या है 20 का 180, आंसर हो गया। मान लो इसी परिस्थिति में वो कंप्रेस कर देता बेटे तो 9 से डिवाइड हो जाता, 20/9 आंसर आता, चमक गया, गलती तो नहीं करोगे, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। इन अ कंडक्टर 4 कूलम्स ऑफ चार्ज फ्लोस पर सेकेंड, 4 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में जा रहा है, करंट कितना होगा, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, 4 एम्पियर्स, ये यहां पे यूनिट में खेल गया, भावुक होके वोल्ट पे टिक मत लगा देना, क्लियर, यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, राइट। बट ध्यान से देखिए, यहां पर जब वो आपको समय दे रहा है तो 2 सेकंड दे रहा है, 1 सेकंड नहीं, तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो यहां पे आएगा 2, सो हो जाएगा वो 2 एम्पियर, सो 4 एम्पियर नहीं 2 एम्पियर राइट आंसर है, समझ गए, संभल के पढ़िए, देखिए मैंने गलती की है श्योर, लेकिन मैं जाग गया, वो तो मेरे को ऑप्शन चेक करने थे ना, इसलिए कि 4 के आगे भी एम्पियर लिखा है, 2 के आगे भी एम्पियर लिखा है, यहां 2 सेकंड लिखा हुआ है बेटा, क्लियर, यहां 4 लिखा हुआ है, 4, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम इज बेंट थ्रू 180 डिग्री, मतलब क्या हुआ, वायर ऐसा था, क्लियर, इसको पूरा 180 डिग्री घुमा के यहां रख दिया, तो अब वायर जो है वो, ये वायर, ये मान लो ए ओ बी है, तो अब ए यहां है, ओ यहां है और बी भी यही है, चमक रही है बात, तो पैरेलल तरीके का सिस्टम बन गया, ठीक है। देन द रेजिस्टेंस इज, तो पैरेलल यानी इक्वली डिवाइड हो गए, ठीक, तो कितना हो जाएगा, तो देखो जब पूरे में 4 थे तो यहां 2 था, यहां 2 था, हाँ या ना, राइट, जब आपने इसको ट्विस्ट किया तो 2 एंड 2 आर इन पैरेलल, 2 इक्वल रेजिस्टेंसेस, दोनों की वैल्यू 2 है, तो R बाय N के हिसाब से 2/2 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 ओम, चमका, हाँ या ना। कुछ लोग भावुक होके सिर्फ 4 का आधा 2 करके आ जाते हैं और फिर बड़ा हो जाता है, हमने तो पूरा पेपर कर दिया, अरे नहीं किया, गलत किया मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है, क्या सुनना चाहता है, अ मेटल वायर ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी, रो की बात कर रहा है वो, तो फॉर्मूला आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए ही लगेगा, ओके, क्लियर, सो ध्यान से सुनते जाइए, एकदम आराम से, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कि क्या रेजिस्टिविटी की वैल्यू दी हुई है, और ध्यान से देखो ओम सेंटीमीटर है, देखो यहां गेम हो जाता है ना, बिल्कुल इत्मीनान से समझो, कोई ऐसा रॉकेट साइंस या कुछ चमत्कार वाली बात नहीं है, ठीक है, शो, लेंथ दी हुई है और आर दिया हुआ है, तो आपसे रेडियस पूछ रहा है, तो आपको पता है कि आर इज इक्वल्स टू रो ओम सेंटीमीटर, एल 198 सेंटीमीटर बाय ए विच इज, है ना, क्लियर, पाई आर स्क्वायर, शो, फाइन, बस खत्म हो गया, क्यों खत्म हो गया, कैसे खत्म हो गया भाई, बताओ हमको जरा, तो देखो यहां पे लिखा हुआ है बेटा 22/7, है ना, आर स्क्वायर को यहां ले जाइए, हर एक नंबर को इस तरफ पुश कर दीजिए और डिनोमिनेटर में सेंटीमीटर स्क्वायर ही लिख लीजिए, तो ये कैंसिल हो चुका है, आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्लियर, शो, फाइन, बढ़िया। अब ध्यान से देखिए, आप एकदम आराम से, कोई रॉकेट साइंस नहीं मेरे दोस्त, 64 × 10⁻⁶ × 198 डिवाइडेड बाय पाई 22/7, और ये वाला 7 भी इस तरफ आया तो बाय एक और 7 आया ना, शॉ, कुछ भी छूट रहा है क्या, नहीं छूट रहा, 7 से 7 कैंसिल, क्लियर, फाइन, बढ़िया, 22 से 9 कैंसिल, 9 × 2 = 18, 9 × 2 = 18, 1 = 19, क्लियर, शो, बढ़िया, 64 का स्क्वायर रूट होगा 8, 9 का स्क्वायर रूट होगा 3, −6 का स्क्वायर रूट होगा 10⁻², क्लियर, नो डाउट, बिल्कुल आराम से समझ रहे हैं आप इस बात को,
पक्का? छो 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, यानी कि ब्रावो आंसर होगा। खत्म। 1.6 मिली एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन कंडक्टिंग वायर। 1.6 मिली एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टिंग वायर, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड्स इज इक्वल्स टू एन ई बाय टी। सिंपल, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इज इतना, बस एन की वैल्यू पूछी है, दिखाइए। 1.6 कैंसिल, 10 टू द पावर माइनस 3 बाय 10 टू द पावर माइनस 19, न्यूमरेटर में जाके 16 बन जाएगा। ब्रावो आंसर है, क्लियर? बढ़िया। नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? मासेस ओके ऑफ 3 वायर्स ऑफ कॉपर आर इन द रेशियो सी। सो मास 1 अपॉन मास 2 अपॉन मास ऑफ वायर 3 is given as 1:3:5। अभी देखो रेजिस्टेंस के क्वेश्चन में मास कहां से आ गया, मुझे हल्का सा डाउट लग रहा है बेटा। वॉल्यूम का कांसेप्ट होता है एक, बता देता हूं कैसे। देखो अगर रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए है, और अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एल का मल्टीप्लाई करूं तो एल स्क्वायर बाय वॉल्यूम बन जाएगा, और वॉल्यूम और मास प्रोपोर्शनल होते हैं डेंसिटी के रिलेशन के हिसाब से। तो इस वॉल्यूम को मैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है, राइट? सो मैं वॉल्यूम को डेंसिटी, क्लियर, अपॉन मास लिख सकता हूं, वो अलग बात है, ठीक है? सो फाइन, नो डाउट, आगे बढ़े। बढ़िया, सुनते जाइए। वॉल्यूम इज इक्वल टू छो मास अपॉन डेंसिटी, क्लियर? ये इससे अचंभित ना हो, जो रेजिस्टिविटी का सिंबल है वही डेंसिटी का है, इसलिए मैं यहां डेंसिटी लिख देता हूं, ठीक है? इसका ये मतलब है कि जो मास का प्रपोर्शन है वही वॉल्यूम का भी प्रपोर्शन हो जाएगा। वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2 अपॉन वॉल्यूम 3, ये स्टार मार्क करके मैंने जगह रख ली रिजर्व में। आगे बढ़ रहा हूं मैं। उनकी लेंथ का रेशियो दिया हुआ है 5:3:1। L1 अपॉन L2 अपॉन L3 इज 5:3:1। बढ़िया, क्यों? क्योंकि अब मुझसे अगर वो देखो किसका रेजिस्टिविटी का तो नहीं पूछ रहा वैसे 1:1:1 है भी नहीं, नहीं तो रेजिस्टिविटी सेम हो जाती, तीनों वायर कॉपर के ही है। खैर, वो अब से रेजिस्टेंस का पूछ रहा है, तो रेजिस्टेंस का कैसे निकालते है? बड़ा आसान काम है भाई। पहला रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल का स्क्वायर बाय एम, शो। दूसरा रेजिस्टेंस सेम रो एल का स्क्वायर बाय एम, और तीसरा रेजिस्टेंस रो, क्लियर, एल का स्क्वायर बाय एम, शो। बिल्कुल आराम से, नो डाउट। तो अब अगर आप शो देखते हैं आपका रेशो कितना आ रहा है बेटा, आपका रेशो आ रहा है 25:3:1/25, हाँ है ना? इसे उड़ाने के लिए आप क्या करते हैं, क्लियर? शो 1/25 क्यों, ये तो मास है ना, मास 25 थोड़ी ना, 5 होगा तो ये 1/5 आएगा, राइट? समझ गए ना, मास का स्क्वायर थोड़ी ना है, मास तो सिर्फ 5 है, तो ये आएगा 5, ओके? तो कुछ मत कीजिए, आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 125, 15 एंड 1, कहीं दिख रहा है? हाँ, डेल्टा, शो। थोड़ा सचेत, मेरी गलती समझ में आई, मैंने मास का भी स्क्वायर कर दिया था भावुक होके, नहीं, मास तो लीनियर ही है, क्लियर? बढ़िया, अगला क्वेश्चन कहता है कि एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स 6×10⁻¹⁵ टाइम्स इन 1 सेकेंड इन अ सर्कुलर लूप, ओके? सो फाइन, द करंट इन द लूप इज, सो एक बार इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उससे 1.6×10⁻¹⁹ कूलम चार्ज बनेगा।
अगर वो 6 × 10⁻¹⁵ घूम रहा है तो इतना चार्ज बन जाएगा कितनी देर में, कोइंसिडेंटली एक ही सेकंड लिखा हुआ है, शॉ तो इतना करंट हो गया, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, करंट निकाल लीजिए 16 × 6, ये सुनो 1.6 × 6 इज 96, 9.6 × इसको और इसको अगर आप ध्यान से देखते हैं आपको 10⁻⁴ दिखाई देगा, हाँ है ना, सो पक्का, नो डाउट, बढ़िया ना, ओके कैसे लिखना है, तो एक डेटा अगर आप यहां शिफ्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 0.96 × 10⁻³, तो ये हो जाएगा मिली एम्पियर, ओके मान लो आपको माइक्रो में लिखना होता तो आपको 960 μA लगते क्योंकि दो डिजिट आपको बियॉन्ड द डेसिमल शिफ्ट करने पड़ते हैं, 28 और नोटा की बात तो छोड़ ही दीजिए, क्लियर, सो जस्ट सिखा दिया मैंने आपको, ओके आगे बढ़ते हैं, कहानी कहती है द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ आर ओम हुज रेडियस इज रिड्यूस टू हाफ, अब किसी वायर की रेडियस को आप आधा करेंगे इसका मतलब उसका जो एरिया है वो 1/4 हो जाएगा, क्लियर, शो फाइन, अगर आर ओल्ड था रो एल बाय ए तो आर न्यू हो जाएगा रो एल में कोई चेंज नहीं ए बाय 4 4 टाइम्स द ओल्ड, अब ध्यान से देखिए, क्लियर, क्या जब आपने ए को 1/4 किया तो ऑटोमेटिकली एल 4 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम क्या रहेगा सेम, क्लियर और नॉट, ये रो लिखा हुआ है तो एल भी 4 हो जाएगा, ये 4 और 4 मिलके क्या बन जाएंगे 16, अल्फा इज द आंसर, चमक गया कि नहीं, शो फाइन, याद रहेगा वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, शाबाश, द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज इंक्रीज्ड बाय 10%, तो पुरानी लेंथ थी एल, नई लेंथ हो गई है 10% इंक्रीज्ड, ओके 110 राइट, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, तो अगर आपको थोड़ा सा ध्यान रहे इस बात का तो आपको पता है कि एरिया है ना राइट भी बदलेगा, है ना क्लियर, कितना बदलेगा इसी के रेसिप्रोकल बदलेगा, श्योर फाइन नो डाउट, चलो आगे शुरू करते हैं, है ना, तो देखो अगर वॉल्यूम ओल्ड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम न्यू है, ओल्ड वॉल्यूम है एल इंटू ए, न्यू वॉल्यूम है 110/100L इंटू ए न्यू, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ए न्यू विल बी 100/110A old, तो आप ध्यान से देखिए बिल्कुल इत्मीनान से, आर न्यू इज इक्वल्स टू रो एज इट इज कोई चेंज नहीं, एल 110/100 by A, ओके 100/110A, क्लियर, सो अगर आप इन 0 0 कैंसिल 11 11 121, देखो 21% बढ़ गया ना 100 से, क्लियर ना, 10 क्वेश्चन हो गए, ये जो अभी हमने क्वेश्चन किए हैं मोस्टली किस पर डिपेंडेंट थे, आपने देखा डेडिकेटेड थे R इक्वल टू रो एल बाय A, और आपको समझ में आ गया होगा कि अब इसके बाहर क्या ही पूछ लेगा वो हमसे, R इक्वल टू रो एल बाय A के बाहर का क्वेश्चन आएगा ही नहीं, इससे बाहर क्या ही आएगा, सब तो बदल दिया, क्लियर बात समझ रहे हो, पक्का याद रह जाएगा, बढ़िया मिलते हैं अगले वीडियो में, देखो एक काम कर सकते हो, क्या काम ये करो कि तुम ना इसको बुकमार्क बना के देख लो, लाइक करो सब्सक्राइब करो वगैरह नहीं बोलूंगा, बुकमार्क बना के रख लो, बुकमार्क बना के रखने में क्या फायदा है, तुम रिवाइज कर पाओगे, भैया लाइक सब्सक्राइब करना है कर दो, नहीं तो स्क्रॉल करते हुए तुक्के में तो मिल ही जाओगे कहीं ना कहीं, घूमते तो हो तुम यूट्यूब पे बहुत, है कि नहीं, शो तो बात समझ में आई होगी बेटा, फायदे की बात है, और एक और शॉर्टकट तरीका बताऊं सेव करने का,
अगर आप लाइक कर देते तो वो एक लाइक वीडियो की लिस्ट में सेव हो जाता, कभी भी देख सकते हो। चमका, चल, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम गाइज, वील कीप ऑन मीटिंग कंटिन्यूअसली। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 11-20 ऑफ द सीरीज ऑफ 100 क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, प्रोसीडिंग फर्दर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।